हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे उन सपनों की जिनको देखकर आपके नाइट फॉल्स हो जाते हैं और आप ये कहते हैं कि इन गंदे सपनों की वजह से ही मुझे नाइट फॉल हो गया है। जो हार्मोन आपको एक मैन बनाते हैं, जो हार्मोन आपको एक फीमेल बनाते हैं, उनकी ही वजह से हम एक परफेक्ट व्यक्ति बनते हैं। यानी अगर आप बड़े हो जाए उसके बाद अगर आपकी शादी की जाए तो आप अपने परिवार को खुश रख सकें और आगे परिवार बढ़ा भी सके, यानी बच्चे भी पैदा कर पाए। ये कैपेबिलिटी अगर आपके अंदर है दैट मीन्स यू आर अ परफेक्टली फिजिकली और मेंटली फिट। लेकिन अगर ये चीज़ जो कि 16 साल से बॉडी में शुरू हो जाती है और इस तरीके की फीलिंग्स भी आने लगती हैं, तो इनको अगर हम गंदा करके एड्रेस करेंगे तो समवेयर इट शोज कि कहीं ना कहीं हम इस परसेप्शन के भी अगेंस्ट हो रहा है कि हम जवान हो गए हैं। हम इसको भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि बेसिकली इसके पीछे भी ये थॉट्स आप लोगों के लिए रहते हैं कि मेरे नाइट फॉल हो रहे हैं तो वो भी बंद हो जाने चाहिए। तो नाइट फॉल के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। बात यहाँ पर कहने की ये है कि जो सपना आप देखते हैं वो भी आपके नॉर्मल होने की पहचान है, उसकी वजह से ही आप सही दिशा में ऑपोजिट सेक्स के बारे में सोचते हैं। अगर हम किसी को प्यार करते हैं और किसी को चाहते हैं तो अगर वो रिलेशनशिप आगे चल के हमारी शादी में कन्वर्ट हो जाती है तो इट्स नेचुरल कि उसके बाद हम फिजिकल उससे होंगे। तो ये चीज़ अगर फिजिकल हम होना देखते हैं या ऐसा सोचते हैं तो मैं भी समझता कि ये एकदम से गंदा हो सकता है। बिकॉज ये काम, इसका मतलब है कि हर वो शादीशुदा व्यक्ति जो शादी के बाद करता है तो वो गंदा हो गया, बल्कि जो फिजिकल रिलेशनशिप से जो पहले का रिलेशनशिप है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। ये सोच ही हमें उस व्यक्ति से अच्छा व्यवहार कराती है, हम उसके साथ रहते हैं, हमें उसके साथ अच्छा लगता है, उसके साथ बैठना, उसके साथ घूमना, उसके साथ जाना, उसके साथ समय बिताना, तो ये एक अच्छी फील देती है आपको। दिस इज द लव जिसे कहते हैं। तो प्यार अगर हम किसी से करते हैं तो प्यार के बाद अगर हमारी इच्छाएं आगे एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचती हैं तो दैट्स नॉट अ डर्टी, दैट्स अ ब्यूटीफुल फील। तो ब्यूटीफुल फील को अगर आप ये कहते हैं कि हम वो चीज गंदी है, वो बुरा है, तो यार ये तो सभी को आप कह दोगे। अगर यार सभी लोग गंदा काम करते हैं, इसका मतलब जो हमारे पेरेंट्स रहे हैं उन्होंने भी गंदा काम किया शादी के बाद जो हम पैदा हुए हैं। तो दोनों ही सेक्स प्लस लव दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनको हम अलग नहीं कर सकते और इनको अलग करके सोचना भी नहीं है। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सेक्स भी है प्लस उसमें प्यार भी है। दोनों चीजें जब जुड़ती हैं देन इट्स एक बॉन्डिंग बनती है और उसी से एक परफेक्ट रिलेशनशिप भी बनती है। तो जो सपने आप देखते हैं दैट्स नॉट अ टोटली डर्टी, तो इट्स वेरी नॉर्मल। अगर ये सारी चीजें हटा दी जाए किसी के शरीर से या फिर उसके माइंड से तो एक फ्लैट पर्सन हो जाएगा। वो तो किसी को चाहेगा भी नहीं, किसी से बात भी नहीं करेगा, किसी से मिलेगा भी नहीं, किसी से इंटीमेसी भी नहीं करेगा, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन के लिए सब चीजें होना बहुत जरूरी है। तो डोंट थिंक सो, ऐसा बिल्कुल नेगेटिव मत सोचिए कि ड्रीम्स जो आपको आते हैं वो बहुत गंदे हैं, वो बहुत बुरे हैं, बल्कि दैट गिव्स अ लॉट ऑफ लव, साथ में एक अच्छी फील देते हैं जो एक अच्छी बॉन्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो आई थिंक सो कि इस वीडियो से आपको ये क्लियर हुआ होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।